गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्रोमियम ग्रुप के बारे में, जो हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। हम उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक जो देख रहे हैं, उसमें हमारे जनरल बाइनरी कंपाउंड्स जो हम बात कर रहे हैं, उनमें आज हम ले रहे हैं क्रोमियम ग्रुप। क्रोमियम ग्रुप आपको पता है, इसके अंदर क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, इसमें आते हैं हमारे एलिमेंट्स हैं। क्रोमियम इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन फेरस एंड नॉन फेरस एलॉयज एंड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप देखेंगे कि जब इसको आयरन के साथ में मिलाकर के इसका एलॉय बनाया जाता है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, स्क्रैच प्रूफ और लस्टरस मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। द ओनली कॉमर्शली इम्पॉर्टेंट और फॉर क्रोमियम इज़ क्रोमाइट, FeCr2O3। दिस इज़ क्रोमियम एनालॉग ऑफ मैग्नेटाइट Fe3O4, जो कि एक्चुअली में Fe+2 और 2Fe+3 आयन से मिलकर बना हुआ है। क्रोमियम मेटल हैज़ ए स्लाइट लस्टर एंड मे बी स्लाइटली मैग्नेटिक। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इसके कुछ इसके अंदर मैग्नेटिज्म भी होता है। क्रोमियम इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्रोमियम पॉलिश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही जब शाइनिंग वो देना होता है किसी भी चीज़ को, ये आपने देखा होगा नल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं बाथरूम वगैरह में, और कई इक्विपमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि इनर्ट होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इट्स अलाउ फेरोक्रोम कंटेन्स आयरन, क्रोमियम एंड कार्बन। फेरोक्रोम इज़ यूज टू मेक मैनी फेरस एलॉयज, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील एंड हार्ड क्रोमियम स्टील। जो स्टेनलेस स्टील होता है, ये आयरन एंड कार्बन का मिक्सचर होता है, मतलब कार्बन कंटेंट होता है आयरन के अंदर, तो वो हमारे स्टील में कन्वर्ट होता है। और जब इसके अंदर ये क्रोमियम एड कर दिया जाता है, तो ये और भी स्ट्रांग हो जाता है, स्टेनलेस में कन्वर्ट हो जाता है, और हार्ड क्रोमियम स्टील के उसमें भी ये काम आता है, क्योंकि इसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। बोथ मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन व्हेन एलॉयड विद स्टील गिव वेरी हार्ड एलॉय विच आर यूज टू मेक कटिंग स्टील। आपने देखा है कि अगर किसी भी चीज़ को कट करना है, हार्ड मेटल्स को जब हम कट करते हैं, तो उनकी कटिंग के लिए हमारे को एक बहुत स्ट्रांग मेटल की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आयरन के मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन के साथ में एलॉयज काम में लिए जाते हैं। ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। सिंस क्रोमियम हैज़ D5S1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +1 to +6। ये सारी रेंज हमें मिलेगी, हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं स्कैंडियम से, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। +2, +3 and +6 स्टेट्स आर वेल नोन फॉर क्रोमियम। क्रोमियम +2 इज़ रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मीन्स ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, यानी कि +2 स्टेट स्टेबल नहीं है। क्रोमियम +3 इज़ मोस्ट स्टेबल एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप देखेंगे क्रोमियम के अधिकतर कंपाउंड जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मिलते हैं। क्रोमियम एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग, मीन्स ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि +6 स्टेट जो है वो एग्जिस्ट तो करती है बट नॉट वेरी स्टेबल। इसलिए +6 स्टेट के अंदर जो क्रोमियम के कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन के लिए काम में आते हैं। अब आगे इनके बारे में और देखेंगे। ऑक्साइड्स की बात करें, द क्रोमेट आयन Cr4-2- इज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देख रहे हैं यहाँ पे क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये स्टेबल स्टेट नहीं है, ये रिड्यूस हो जाती है, तो ये एक बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है। Cr3 इज़ अ ब्राइट ऑरेंज सॉलिड एंड नोन एज क्रोमिक एसिड। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट Na2। आप इक्वेशन देखना चाहें, Na2Cr2O7+H2SO4 गिव्स Na2SO4+H2O। तो आपने लेबोरेटरी में कई बार यूज़ किया होगा, हम आप लोगों को बताते भी हैं कि ग्लासवेयर की क्लीनिंग के लिए जब वो किस कुछ ऐसे केमिकल्स उनके ऊपर लग जाते हैं जो कि नॉर्मल उसमें वॉशिंग में साफ नहीं हो रहते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं क्रोमिक एसिड को। जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इंटेंस ब्राइट ऑरेंज सॉलिड होता है, आपने देखा भी है, तो इसका जो इंटेंस कलर है, दिस इज बिकॉज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, क्योंकि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है
चार्ज बढ़ गया है कैटायन के ऊपर, तो इस कंडीशन में ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करते हैं और इसलिए इनका इंटेंस ऑरेंज कलर हमें दिखाई देता है। CrO3 इज टॉक्सिक एंड कोरोसिव। इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ चेन्स ऑफ फ्यूज टेट्राहेड्रल्स। टेट्राहेड्रल्स बने हुए होते हैं जो आपस में ब्रिज होकर के और ये लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, तो CrO3 का ये चेन स्ट्रक्चर होता है। एंड इट्स वेरी टॉक्सिक एंड कोरोसिव, अगर हाथ पे गिरता है या कहीं भी गिरता है तो वो, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग। क्रोमियम प्लस 5 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एंड रेयर, नॉर्मली मिल बहुत कम मिलते हैं। क्रोमियम प्लस 4 कंपाउंड्स आर ऑल्सो रेयर बट दीज आर नॉट सो अनस्टेबल। CrO2 हैज़ अ रूटाइल स्ट्रक्चर। TiO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, रूटाइल TiO2 का जो स्ट्रक्चर है। इट हैज़ सम मेटेलिक कंडक्टिविटी एंड शो फेरो मैग्नेटिज्म एंड हैंस यूज इन मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग टेप्स। CrO2 जो प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये कुछ फेरो मैग्नेटिज्म शो करता है, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटिक टेप्स के अंदर यूज़ होता है। क्रोमियम प्लस 3 कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज क्रोमिक कंपाउंड्स आर आयनिक एंड स्टेबल। जैसे मैंने बताया जो जनरल क्रोमियम केमिस्ट्री है वो प्लस 3 स्टेट के अंदर ही, और इसके अंदर ही बहुत वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं, बनाते हैं। Cr2O3 इज अ ग्रीन सॉलिड विच इज़ यूज एज पिगमेंट। इसको पिगमेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, कलर की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऑक्साइड बिकम्स इनर्ट इन एसिड्स एंड बेसिस इफ हीटेड स्ट्रांगली, बट अदरवाइज इट इज़ एम्फोटेरिक, गिविंग Cr(H2O6)3+ विद एसिड्स एंड क्रोमाइट विद कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीस। मीन्स एसिड्स एंड बेसिस दोनों के साथ में रिएक्ट करता है, एसिड के साथ में हेक्सेको कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड बेसिस के साथ में ये क्रोमाइट्स बनाता है। इट इज़ यूज एज अ पिगमेंट इन पेंट, रबर एंड सीमेंट इंडस्ट्री। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन एंड ब्यूटाडाइन। तो कैटलिटिक इंपॉर्टेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो भी इनकी बहुत है क्रोमियम ऑक्साइड्स की, स्पेशली Cr2O3 की। क्रोमियम प्लस 2 कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज क्रोमस कंपाउंड्स आर आयनिक एंड कंटेन्स क्रोमियम प्लस 2 आयंस। देखिए वही जो हमारा फाइन्स रूल है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब कैटायन के अंदर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस वक्त ये इसके ऊपर चार्ज कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑक्साइड्स, तो इसके जो कंपाउंड्स होंगे वो हमारे को आयनिक मिलेंगे। बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर इट इज यूज टू रिमूव द लास्ट ट्रेस ऑफ O2 फ्रॉम नाइट्रोजन एंड इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आपको पता है नाइट्रोजन, बहुत कई जगह पे हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे को ऑक्सीडाइजिंग जो हमारी एयर की ऑक्सीजन है वो हमारी रिएक्शन या जो भी कंपाउंड बन रहा है उसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऐसे में हमें एयर हटा करके और उस वेसल के अंदर नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो उस नाइट्रोजन में अगर ट्रेसेस में भी ऑक्सीजन है तो वो रिएक्ट कर लेगी हमारी जो भी कंपाउंड अनस्टेबल बन रहा है ऑक्सीजन के प्रति, उससे वो रिएक्ट करके और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उस ऑक्सीजन को हटाने के लिए जो लास्ट ट्रेसेस रह गए, बहुत कम अमाउंट में भी अगर वो रह गई है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो क्रोमस कंपाउंड्स हैं इनको यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन को हटाने के लिए नाइट्रोजन में से, जहाँ हमें इसको एकदम प्योर नाइट्रोजन की हमें ज़रूरत होती है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर व्हाई क्रोमियम ऑक्साइड्स आर कलर्ड। सोचिएगा, बात करें हैलाइड्स की। Cr(F6) इज अ येलो कलर्ड अनस्टेबल सॉलिड दैट डिकम्पोजेस टू Cr(F5)। मैंने आपको पहले भी बताया था प्लस 5 स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल है, लेकिन F6 जो है वो है येलो कलर का होता है, अनस्टेबल सॉलिड है, क्योंकि प्लस 6 जो आपकी प्लस 6 स्टेट है उसमें क्या हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, खुद रिड्यूस हो जाती है, और ये बहुत अनस्टेबल है फ्लोरो कॉम्प्लेक्स, ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर Cr(F5) के अंदर। Cr(F5) इज अ रेड सॉलिड इन विच Cr(F6) ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स आर लिंक टू गिव अ सिस ब्रिस्ट पॉलीमर। अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो Cr(F5) यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्लोराइड है उसके साथ में ब्रिज बनाती है CrFCr, और इस तरीके से ये एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स बन जाती हैं और इस हमारे को एक पॉलीमर मिलता है। Cr(F4) इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग द एलिमेंट एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर।
ऑल द एनहाइड्रस सी आर एक्स थ्री हेलाइट्स आर नोन, क्योंकि प्लस थ्री स्टेट में हैं तो सब स्टेबल हेलाइट्स हमें इनके अंदर मिलते हैं. सी आर सी एल थ्री इज रेड वॉलेट फ्लेक्स सॉलिड, फ्लेक्स बनती इनकी. इन सॉल्यूशन दीज क्रोमियम प्लस थ्री आयन्स फॉर्म अ रेंज ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्सेस. तो कई तरीके के एक्वा कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं. हेक्सा एक्वा तो है ही, इसमें से एक एक्वा सी एल से रिप्लेस हो गया, तो पेंटा एक्वो, टेट्रा एक्वो एंड ट्राई एक्वो, ट्राई सी एल क्लोरो कॉम्प्लेक्स, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स हमारे को मिलते हैं. अगर हम कॉम्प्लेक्स इनकी कॉम्प्लेक्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, तो एक प्लस टू स्टेट के अंदर एक इसका बहुत ही अनयूजल कंपाउंड है, दैट इज क्रोमियम टू एसीटेट. इसका एक क्वाड्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब क्वाड्रिपल बॉन्ड्स मिलते हैं इसके अंदर. आप देखेंगे चीलेटिंग लिगेंड है, और जो क्रोमियम ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये जो लिगेंड आपको नज़र आ रहे हैं, ये लिगेंड इसकी कोऑर्डिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ये H2O भी हो सकता है, अगर एल्कोहल में तो एल्कोहल भी कोई हो सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेटिंग सॉल्वेंट. और स्पेशल फीचर इसका ये है कि आप देख रहे हैं क्रोमियम क्रोमियम मेटल के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. क्रोमियम प्लस थ्री प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. क्या मैंने बताया प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, तो सारे अधिकतर कॉम्प्लेक्सेस इनके जो हैं वो प्लस थ्री स्टेट में मिलते हैं. मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स शो करते हैं, और उसके अंदर इनकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है. तो सबके अंदर आपको यही देखने को मिलेगा मैक्सिमम के अंदर, अधिकतर में. एक एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं ब्लू कलर का क्रोमियम जो है ये ऑक्टाहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है. लिगेंड जो है वो इस तरीके से पॉलीमर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर ये मोनोमर भी होते हैं तब भी स्ट्रक्चर जो है हमारे को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ही, मतलब क्रोमियम की कोऑर्डिनेशन एंड ज्योमेट्री जो होगी वो सिक्स ऑक्टाहेड्रल होगी. कुछ एग्जाम्पल ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी, जब हम आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ेंगे तब. बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस जो जनरल आते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस हम उनके अंदर देखेंगे. ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है, ये अमीनो कॉम्प्लेक्स, अमीन कॉम्प्लेक्स है, एक्सामिन कॉम्प्लेक्स. चूँकि स्टेबल होते हैं, ज्योमेट्री फिक्स होती है, तो कुछ जो हमारे क्रिएटिंग लिगेंड्स होते हैं उनके साथ में ये आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसके बारे में हम डिटेल में हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसके अंदर बात करेंगे. तो आप देख रहे हैं ये इस तरीके से यहाँ पे दोनों सी एल सिस पोजिशन में है, यहाँ पे दोनों सी एल जो है वो ट्रांस पोजिशन है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही है, लेकिन इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में भी ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं. अगर इनकी बायोलॉजी, इनकी बहुत बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है. क्रोमियम एंड मॉलिब्डेनम बोथ आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट्स इन मैमल्स. क्रोमियम थ्री एंड इंसुलिन बोथ आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड. आपको पता है अभी तक नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भाई ग्लूकोज के लिए केवल इंसुलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन क्रोमियम की भी ज़रूरत होती है, ट्रेस एलिमेंट है ये. और अगर इंसुलिन का लेवल ठीक है लेकिन बॉडी में क्रोमियम की डेफिशिएंसी हो गई है, तब भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है. इन लार्जर क्वांटिटीज क्रोमियम कंपाउंड्स आर कार्सिनोजेनिक, इसलिए लेबोरेटरी में काम करते वक्त हमारे को बहुत केयर रखनी चाहिए. स्पेशली केयर शुड बी टेकन वाइल परफॉर्मिंग टाइट्रेशंस यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट और KCRO4. नाउ थिंक अबाउट दिस, वाई क्रोमियम शोज अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्सेस. सोचिएगा और बताइएगा. थैंक यू.